अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको 9.25 मरले का घर दिखाने जा रहे हैं। ये व्हाइट हाउस बहुत ही खूबसूरत घर है, इसमें 6 बेडरूम है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मैं आपको इसकी अकोमोडेशन, लोकेशन और इसकी प्राइस भी बताएंगे और साथ साथ आपको घर की हर चीज के बारे में गाइड करेंगे। ये 9.25 मरले, तकरीबन 9 मरले का ये घर है और ये व्हाइट हाउस जो अभी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है। मैं बताता चलूं, ये ट्रिपल स्टोरी घर है और इसका कवर्ड एरिया जो है वो 3650 स्क्वेयर फिट है। तकरीबन 10 मरले से बड़ा इसका कवर्ड एरिया है और तकरीबन 500 स्क्वायर फीट जो है वो 10 मरले से बड़ा है। 3650 स्क्वायर फीट इस घर का कवर्ड एरिया है। 31 बाय 63 इसकी डिमेंशन है, 31 इसका फ्रंट है, 63 इसकी डिमेंशन लेंथ है। ये 3 गाड़ियां यहाँ पे आसानी से खड़ी हो सकती हैं इस कार पोर्च के अंदर। और इसको अगर आप घर को रेंट पर ऊपर वाले हिस्से को देना चाहें तो सेपरेट डोर दिया हुआ है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं आपको बाहर वाला एरिया दिखा रहा हूँ। ये फ्रंट एलिवेशन है इसका और वाइट पेंट किया गया है। ये अंदर हम आ गए, ये ऊपर स्टेयर्स जा रही है, ये नीचे पाउडर रूम बना हुआ है। ये 2 डोर आपको नजर आ रहे हैं, एक ड्राइंग रूम में जाता है और एक टीवी लाउंज में जाता है। अगर इन दोनों डोर्स को बंद कर दिया जाए तो ऊपर वाला हिस्सा सेपरेट हो जाता है। ये पाउडर रूम मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पाउडर रूम है इसका, जो कि आमतौर पर गेस्ट और गार्ड्स या किसी भी तरह यूज किया जा सकता है। ये इसका पाउडर रूम। ये इसका ड्राइंग रूम। ये इसकी सीलिंग, इसमें शैंडलर लगा हुआ है, फैन इंस्टॉल्ड मिलेंगे आपको सारे घर में। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्रिल लगाई गई है। ये दीवार पर सीनरीज बनाई गई हैं, उसमें वॉलपेपर लगाया गया है। सामने आपको एक डोर नजर आ रहा है, जिसको अगर आप टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम को सेपरेट करना चाहें तो यहाँ पे ग्लास का डोर भी लग सकता है, लकड़ी का भी लग सकता है। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इस घर की जो सीलिंग है वो, छत की ऊंचाई है वो 12 फिट है और डोर्स का साइज जो है वो 8 फुट है। और ये आपको टीवी लाउंज नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पूरे घर में फैन इंस्टॉल्ड मिलेंगे, फनूस लगे हुए हैं। इसमें 2 टीवी लाउंज है, 3 किचन है, 6 बेडरूम है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है और सामने सीनरीज बनाकर दीवार पर उसमें वॉलपेपर्स लगाए गए हैं। ये इसका किचन है और ये डोर जो बाहर से आ रहा है, ये किचन। किचन में लाइट का थोड़ा सा इशू था, इस वजह से शायद आपको अंधेरा नजर आ रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ये मुकम्मल इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। ये इसकी सीलिंग। फ्रिज वाला एरिया भी बनाया गया है इसमें, वेंटिलेशन के लिए विंडो। और जो स्टोव्स हैं वो बड़े अच्छे लगाए गए हैं और ब्रांडेड किस्म के लगाए गए हैं। ये आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, वेंटिलेशन का काम भी कर रही है ये जगह, और इसको आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, 12 बाय 12 का ये बेडरूम है। ये इसकी सीलिंग, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो और इसमें ये कबर्ड्स भी लगी हुई हैं। ये इसका वॉशरूम, वॉशरूम में पूरी पूरी वॉल को टाइल्स कवर किया हुआ है और ये इसकी सीलिंग।
ओल्ट्रा के कंबोर्ड्स लगाए गए हैं और ये शावर। ये दूसरा बेडरूम, ये 10x12 का बेडरूम है। अटैच्ड बाथ और ये इसकी कबर्ड्स, ये इसकी सीलिंग फैन। मैंने आपको शुरू में बताया कि पूरे घर में आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे। वाइट कलर की टाइल, मास्टर की टाइल लगाई गई है फर्श पर। और ये देखिए ओर्टा के कंबोर्ड्स लगाए गए हैं। सेंट्री जितनी भी लगाई गई है वो ज़बरदस्त लगाई गई है। वॉश बेसन, कंबोर्ड, जो टाइल्स का कलर है वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें फिक्स किया गया है, लगाया गया है। ये पूरा घर मैंने आपको दिखा दिया, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर। और ये देखिए ये मैं ड्राइंग रूम में खड़ा होकर आपको टीवी लाउंज दिखा रहा हूँ। दोनों बेड, किचन और वेंटिलेशन के लिए जो बीच में स्पेस छोड़ी गई है वो। किचन के अंदर भी जो स्टोव्स और हुड लगाए गए हैं वो भी ब्रांडेड लगाए गए हैं। फनूस आपको ड्राइंग रूम में भी मिलेगा, टीवी लॉन्च में भी मिलेगा। अब हम ऊपर जा रहे हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये टेरेस, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टेरेस में भी टाइल लगी हुई है और ऊपर कॉलम्स बनाकर इसको डिज़ाइन दिया गया है। स्टेज पे भी ग्रिल लगाई गई है, सेफ्टी ग्रिल कहते हैं इसको। ये ऊपर स्टेज जाती है, ऊपर भी जाएंगे लेकिन अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। सेम स्टाइल का बना हुआ है, जैसे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी सेम बना हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो छत की हाइट है वो 12 फुट और 11 फुट है, तो इस लिहाज से डोर्स का जो साइज है उनकी हाइट जो है वो 8 फुट है। इसमें 3 किचन है, 2 टीवी लाउंज है, 6 बेडरूम है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ऊपर वाला टीवी लाउंज मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये वही स्पेस जो नीचे से आ रही है, ये सामने वाला डोर, ये सामने बेडरूम और ये मीडिया पॉइंट और ये दोनों बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर पर आपको 3 बेडरूम मिलेंगे। ये फर्स्ट बेडरूम जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसमें भी सारी चीजें मौजूद है। कबर्ड्स बनाई गई हैं, सीलिंग बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। और इस घर की अगर प्राइस की बात कर लें तो 4,10,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। ये इसका वॉशरूम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4,10,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। ये वॉशरूम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ऊपर वाले बेडरूम का। वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये यहाँ पे भी टेरेस दिया गया है छोटा सा। रूम्स, बेडरूम्स, टीवी लाउंज, ये सब खुले खुले हैं और अच्छा घर बना हुआ है। 9.5 मरले का ये घर है। ये दूसरा बेडरूम मैं ऊपर वाला दिखा रहा हूँ, इसमें भी सारी चीजें सेम। ये सीलिंग हर रूम की डिफरेंट है, डिजाइन डिफरेंट है उनका। अटैच्ड बाथ है, कबर्ड्स, वाइट टाइल्स, दीवारों पर सीनरीज, वेंटिलेशन के लिए विंडो। ये इसका वॉशरूम, वॉशरूम का साइज भी अच्छा है।
ये दो बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए, अब मैं आपको तीसरा बेडरूम दिखाता हूँ। ये थर्ड बेडरूम है, हर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथ है। देखा जाए तो इसमें 6 बेडरूम है, 7 वॉशरूम है। 4 करोड़ 10 लाख रुपया इस घर की डिमांड है। वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, छत में लगाया गया है। और ये सेंट्री, सेंट्री जो है वो मैंने आपको बताई कि सारी इंपोर्टेड है। पोर्टा के इसमें कमोड लगे हुए हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिया, फिर से मैं आप लोगों को सारा एरिया दिखाता हूँ। किचन नहीं अभी दिखाया, किचन भी दिखाता हूँ। नीचे वाले किचन में थोड़ी सी लाइट का इशू था, ये सेम किचन बना हुआ है लेकिन उसमें फ्रिज का एरिया बनाया हुआ था। इसका साइज थोड़ा सा नीचे वाले किचन से छोटा है। ये सेम स्टाइल के कैबिनेट्स बने हुए हैं। ये ऊपर वाला किचन, अब हम ऊपर लेके चलते हैं आपको। ये पेशियो में आपको दिखा रहा हूं, ये 4 फुट की स्टेज है, आमतौर पर 3 फुट की स्टेज होती है। ये हम सबसे ऊपर आ गए, ये ऊपर वाला आपको ममती दिखा रहा हूँ। और ये ऊपर भी किचन आ गया, ये तीसरा किचन है। ये अमेरिकन स्टाइल में किचन है, काफी खुला किचन है। और ये एक बेडरूम सबसे ऊपर दिया गया है अटैच्ड बाथ के साथ। इसमें भी वार्डरोब्स, वेंटिलेशन के लिए विंडो, सेफ्टी ग्रिल, सब कुछ लगा हुआ है। मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को कि 4 करोड़ 10 लाख रुपया इस घर की डिमांड है। बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम बनाए गए हैं और खुले वॉशरूम है। किसी भी वॉशरूम में ऐसा नहीं किया गया कि इस वॉशरूम में सेंट्री का काम या फिनिशिंग का काम थोड़ा सा लो कर दिया जाए। हर वॉशरूम के अंदर जबरदस्त काम किया गया है। छत पे आ गए, छत वाला एरिया में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मार्बल के साथ सारा कवर किया गया है। 9.25 मरले का ये घर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।